दोस्तों हैदराबाद के खिलाफ अपने चमत्कार से रविंद्र जडेजा ने जिताया यह मुकाबला और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को अपने पास बुलाकर लिया आशीर्वाद और दिया उनके हाथ में अवार्ड और फिर जो कहा वो सुनकर पूरा देश करेगा सलाम। तो जडेजा का 130 करोड़ लोगों का दिल जीत लेने वाला ये बयान तो जाने बिना मत जाइएगा कहीं भी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रविंद्र जडेजा और धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि जडेजा और धोनी में से कौन बेहतर खिलाड़ी है। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आईपीएल 2023 के 29वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से था, जहां यह मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पर खेला गया और चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 134 रन भी बना लिए थे। जवाब में चेन्नई की टीम ने 18.4 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर यहां मुकाबले में शानदार जीत अर्जित की। तो वहीं आईपीएल 2023 के 29वें मैच में अगर हैदराबाद की पारी की बात करें तो दोस्तों यहां पर हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए, तो वहीं राहुल त्रिपाठी 21 और हैरी ब्रुक ने 18 रनों की पारी खेली। बाकी कोई भी बल्लेबाज यहां 20 से ज्यादा रन बना ही नहीं पाया। और इस बीच रविंद्र जडेजा का बोलबाला मैदान पर दिखाई दिया, जिन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए इस मुश्किल पिच पर भी 22 रन देकर 3 विकेट हासिल कर लिए। तो वहीं इन 3 विकेट की बदौलत ही हैदराबाद जैसी मजबूत टीम को चेन्नई ने 134 रन पर ही ढेर कर दिया। और यहां जब बल्लेबाजी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उतरी तो यहां डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत की, जहां दोनों बल्लेबाजों ने यहां पारी की शुरुआत करते हुए छक्के चौकों की बरसात कर डाली। और इस बीच डेवॉन कॉनवे ने 57 गेंदों में 77 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 12 चौके और एक छक्का भी लगाया और उनका साथ निभा रहे ऋतुराज गायकवाड़ 35 रन बनाकर रन आउट हुए। तो वहीं अंबती रायडू और अजिंक्य राणे ने 9-9 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों यहां मैच जिताने का तो कार्य डेवॉन कॉनवे ने किया, जिन्होंने आज के इस मैच में चेन्नई की टीम को अंतिम ओवर तक पहुंचाया। और वहीं दोस्तों जीत का सबसे बड़ा कारण तो रविंद्र जडेजा थे, जिनकी 3 विकेट की बदौलत हैदराबाद जैसी टीम भी 134 रन से आगे ज्यादा स्कोर बना ही नहीं पाई। और इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करवाने वाले रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया और मैन ऑफ द मैच बनने के तुरंत बाद ही रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी को अपने पास बुलाया और जडेजा ने उसे आशीर्वाद लेते हुए उनको अपना अवार्ड और इनाम थमाते हुए बोला कि आज का विकेट सपाट था, गेंदबाजी करना मुश्किल था, लेकिन अगर माही भाई विकेट के पीछे ना होते तो शायद ये 3 विकेट भी मुझे नहीं मिलते, क्योंकि मैं तो बस अपनी नॉर्मल गेंदबाजी कर रहा था लेकिन दिमाग तो पीछे पीछे धोनी भैया ही लगा रहे थे। जब उन्होंने मुझे बोला कि आगे गेंद करवानी है तब मैंने आगे ही गेंद डाली और हमें विकेट मिलते चले गए। और यहाँ पर जैसे जैसे धोनी भाई ने मुझे बताया कि कहाँ कहाँ मुझे गेंदबाजी करनी चाहिए वैसे वैसे ही मुझे विकेट मिले हैं। हालांकि यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि जब धोनी जैसा विकेट कीपर बल्लेबाज आपके साथ खड़ा हुआ हो और पीछे से आपको गाइड कर रहा हो तो आपका मनोबल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप किसी भी हाल में मुकाबले को अपने नाम करें और यह मुकाबला हम जीतेंगे मुझे साफ तौर पर पता था, क्योंकि हैदराबाद जैसी टीम को हमने 134 रन पर ही ढेर कर दिया। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो धोनी भाई का रहा, जिन्होंने हर वक्त मुझे बताया कि अभिषेक शर्मा को अगर मैं अंदर आती हुई गेंद डालूंगा तो वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएगा और रहाणे को मैंने वहां खड़ा कर रखा है, उस पर कैच भी जा सकता है। और वैसा ही हुआ, रहाणे ने कैच भी पकड़ा अभिषेक शर्मा का। तो वहीं फिर अगले विकेट के बारे में जडेजा ने बात करते हुए बताया कि जब राहुल त्रिपाठी का बल्ला तेज गति से चल रहा था तब धोनी भाई ने मुझे बोला कि मैं इसको बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर करूं और एक बाहर आती हुई गेंद डालूं, और बाहर आती हुई गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आकाश सिंह को कैच थमा दिया और ये भी पूरा प्री प्लान्ड था। तो वहीं पर आगे बात करते हुए जडेजा ने बताया कि जब मैंने ये सोचा था कि मयंक अग्रवाल का कैच हेनरिक क्लासेन की वजह से छूट गया था तब मुझे बस उसको आउट करने के बारे में ही सोचना था। और धोनी भाई ने पीछे आती हुई गेंद डालने के लिए बोला और वो आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के लिए गया और गेंद मिस होते से ही धोनी भाई ने स्टंपिंग कर दी, जिसकी बदौलत हम इस मुकाबले में अपना दबदबा बना पाए हैं। हालांकि अगर धोनी भाई जैसा खिलाड़ी आपके पीछे ना हो तो आपको हर वक्त बस डर ही सताता है कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए और आपकी टीम कहीं हार ना जाए, लेकिन धोनी भाई जब भी पीछे होते हैं तब और भी ज्यादा मनोबल बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर धोनी की तो जमकर तारीफ रविंद्र जडेजा ने कर डाली। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो कि रविंद्र जडेजा ने जो कहा वो बिल्कुल सही या फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।